इस 10 प्रो डिवाइस के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट पिक्सलेज का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन मिलते हैं और काफ़ी हद तक यूजफुल सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ साथ ऑडियो क्वालिटी क्या है, क्या कुछ नया देखने को मिलता है, डालना कैसे, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, बस आपको लास्ट तक वॉच करना है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करो चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको यहाँ पे लाइका वाला यानी हाइपर वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर काम करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप इसका फुल बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे बीसीआर दिया गया है, जिसकी वजह से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे, सामने वाले को पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करते हैं। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट के अंदर परसेंटेज देखने को मिलता है, जिससे आप अपने ब्राइटनेस को लो एंड हाई है जो कर सकते हो, तो ये भी काफी सही ऑप्शन है जो ऐड करा गया है। मोड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि फोकस मोड जैसा ही है। इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसके हिसाब से आप अपना काम अपने टाइमिंग को सेट करते हुए करवा सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारे सेटिंग्स कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐप से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं, कॉलिंग से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डॉल्बी भी दिया गया है, जिससे आपको एक बेहतरीन आउटपुट मिलने वाला है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पे ऑडियो से रिलेटेड भी आपको कोई दिक्कत नहीं आता। अब आते हैं अपने डायरेक्ट सेटिंग के अंदर, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड वर्जन 15, जो कि यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट है इस रोम की तरफ से, जो कि 2.7 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलेगा, अप्रैल का सिक्योरिटी पैच है, और कर्नल यहाँ पे आप देख सकते हो, साथ साथ बिल्ड नंबर वगैरह जो कि आपको डिस्प्ले पे भी नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ बैक आते हैं तो बॉटम एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी इमरजेंसी, डिजिटल पासवर्ड, लोकेशन और यहाँ पे प्राइवेसी मिलता है, जहाँ पे आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है इनहेंस का, ऑटो कन्फर्म का, स्क्रैम्बल का और पावर टर्न इंस्टेंट लॉक वगैरह भी। प्राइवेट स्पेस के अलावा यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन हाँ छोटे मोटे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ऐप लॉक, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही बात है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अनदर यहाँ पे बैक की ओर आते हैं तो आपको मिल जाता है सिस्टम, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको गूगल प्ले का, अस्वूप का ऑप्शन मिल जाता है, हाई डेवलपर स्टेटस, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम करता है, तो आप लोग डिमांड करते हो, ये चीज़ यहाँ पे है। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जेस्चर्स के अंदर नेविगेशन मोड, पावर बटन, डबल टैप, प्लेबैक और बाकी कॉमन बेसिक सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे डायग्नोसिस आज के टाइम पे सभी एंड्रॉइड 15 में ऐड हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ ये प्रोफाइल आपको मिलता है, बट भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप देख सकते हो सब कुछ डिफॉल्ट पे है, और मैंने डिफॉल्ट पे रखे चेक किया है, क्योंकि परफॉर्मेंस रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसकी नीड पड़ेगी, बट हाँ पड़ती है तो आप इससे परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी डिटेल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे परसेंटेज है, चार्जिंग कंट्रोल, बैटरी इन्फॉर्मेशन और बाकी बेसिक से चीज़ें मिलती है। वॉलपेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इसके सिस्टम डिफॉल्ट वॉलपेपर, एआई का भी फीचर्स दिया गया है, जिससे आप वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो और यूज में ला सकते हो। मोर लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है डायनेमिक का, और यहाँ पे वही सारे एओडी से रिलेटेड ऑप्शन आपको जो मिलते हैं। अनदर यहाँ पे आप आते हैं लॉक के ऊपर, तो आपको कलर का और ग्रिड का ऑप्शन मिलता है, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिया गया। डिस्प्ले के अंदर आपका ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। डार्क मोड के अंदर प्योर ब्लैक का ऑप्शन मिल जाता है हर रोम की तरह। साथ साथ यहाँ पे आइकन की चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लाइव डिस्प्ले के अंदर आपको एंटी फ्लिकर देखने को मिलता है, कलर और पिक्चर मोड वगैरह भी, जो कि आप यूज कर पाओगे, नो इशूज। अनदर यहाँ पे टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप, फुल स्क्रीन ऐप और रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है। साउंड के प्रोफाइल में आपको डॉल्बी तो मिल ही जाता है, पर ऐप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, और कुछ साउंड्स कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन कूल डाउन का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कई सारे रोम में अब कॉमन हो चुका है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ में काम आने वाला फीचर्स है, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है। अनदर यहाँ पे इनहेंस का, हैंड्स अप का और साथ साथ नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको मिलेगा। ऐप्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्लोन का और गेम ऐप्स वगैरह का, जो कि यहाँ पे आप अपने गेमिंग वाले एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो और बाकी बेनिफिट ले पाओगे। एंड्रॉइड 15 का कॉमन फीचर साइड बार, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि काम करता है। और यहाँ पे कनेक्शन के अंदर कुछ नहीं है, साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क के अंदर भी आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, सिवाय दो चार चीज़ों की, लेकिन है वो है हमारा नेटवर्क ट्रैफिक, सो डेटा वगैरह का ऑप्शन है, 4G और डेटा यूजेज वगैरह के ऑप्शन है। तो यहाँ पे दो तीन एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जबकि किसी किसी रोम में सिर्फ नेटवर्क ट्रैफिक आपको मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है इस रोम के अंदर।
रही बात इसका लॉन्चर, तो लॉन्चर आपको देखने को मिलता है वो एक पिक्सल वाला जो कि काफी सही है, और यहाँ पे आप एनिमेशन वगैरह भी है जो देख सकते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो इस डिवाइस के हिसाब से ये आपको काफ़ी हद तक जो सही देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हाइपर होता तो ये और ज़्यादा लॉन्गर टाइम देता रिस्पॉन्स देने के लिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। रही बात अब इसका टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ आता है, तो उसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ है परफॉर्मेंस का रिजल्ट। आप इसे डालते हो तो सिस्टम डिफॉल्ट आपको इतने ही एप्लीकेशन मिलते हैं, बाकी आप नीट के हिसाब से डाल सकते हो। साथ साथ डिफॉल्ट वॉलपेपर मैंने शो कर दिया, कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है, और ये है नॉर्मल टेस्टिंग सीपीयू टोटल की जो कि काफ़ी बेहतरीन है। साथ साथ बैटरी ड्रॉप जो कि 82 के बाद मॉर्निंग पे 81 आता है, जहां पे आप देखो ये कि 8 hours 51 यानी 9 hours के आसपास का टाइमिंग है और 1% का बैटरी ड्रॉप है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे हमारा जो गीगबेंच है ये भी काफ़ी बेहतरीन रहता है। अनदर यहाँ पे सीपीयू टोटल का रिजल्ट भी काफ़ी लाजवाब में कमा के है जो कि 2,03,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 1,72,091 का स्कोर है, और ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट सीपीयू टोटल रिजल्ट है जो कि रिसेंटली जितने भी रोम चेक किए उनमें देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर गर्मी ज़्यादा है तो टोटल होगा तो आपको थोड़ा सा फैन वैन कूलर वगैरह एसी वगैरह का यूज करना पड़ेगा ताकि आपका फ़ोन ज़्यादा हीट ना हो और टोटल ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि कैसा भी रोम क्यों ना हो, गर्मी ज़्यादा है हीट होगा तो टोटल करेगा ही करेगा, लेकिन ये इसका बेस्ट रिजल्ट है जो कि ऐसे हाली मिलता नहीं है, यानी जल्दी देखने को नहीं मिलता। गेमिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिल जाता है जो कि एक्सट्रीम प्लस चला जाता है, अल्ट्रा एक्सट्रीम नहीं जाता है। ऐसे भी अल्ट्रा एक्सट्रीम या एक्सट्रीम प्लस जाने का कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलता, लेकिन ये एडवांटेज आपको जरूर देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलता है। रही बात इसका बूट एनिमेशन कैसा निकल के आता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और एडवांस यहाँ पे बूट मेनू देखने को मिलता है जहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल पिक्सल वाला जो बूट एनिमेशन है वही ऐड किया गया है जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है और बस सिंपल सा ही है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आई होप कि ये रोम आपको पसंद आया होगा और मेरे तरफ से रिकमेंडेड भी होने वाला है क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप नॉच है, कस्टमाइजेशन सारे मिल जाते हैं जो कि आपके डेली लाइफ में नीड पड़ने वाले हैं, और साथ साथ भाई जो कुछ भी है काफ़ी सही काम करता है। लेकिन रही बात ऑडियो क्वालिटी, जैसे कि मैं आजकल टेस्ट करवा रहा हूँ तो वो मैं आपको सुना देता हूँ, और डालना कैसे है वही सेम सिंपल सा मेथड है, वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट। अगर आपको नहीं पता है तो एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप फॉलो करके इसे इंस्टॉल कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर। तो पहले ऑडियो सुन लेते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।